एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की अध्याय के पास है 13, चैप्टर 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से आप लोगों के पास कुछ थ्योरीज के पार्ट्स आपको बता चुके हैं, कुछ टर्म आपको कंडीशन भी बता चुके हैं। तो आप लोग उसको आगे आपको डिस्कशन में इसके सारे वीडियोस के पार्ट्स आपको अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट जरूर देखिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं। अगर जो लोग कंटिन्यू देखते हैं तो उनको कोई बात नहीं, वो लोग कंटिन्यूसली देख सकते हैं, ठीक है। तो आज आपके पास पार्ट नंबर है आपके पास 4, 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उसमें से आप लोगों का आज टॉपिक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक समान कैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास धारावाही चालक पर, करंट पर हमारे पास फोर्स कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ दिखा है, आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप पहले समझेंगे उसके बाद आपको आगे बताएंगे, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड थोड़े जो क्लिक, इसमें से हम पहले से लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को लिखने पर नोट्स बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। ऐसे ओरली बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं थोड़ा थोड़ा फार्मूला हैंड से दे दूंगा, बाकी हो के आप कर लीजिए, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम आपको यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, माना कि एक चालक तार जिसकी लंबाई एल है। क्या है? माना कि एक चालक तार जिसकी लंबाई एल है। हम यहाँ पर एल लंबाई का एक चालक तार बना लेते हैं, ऐसे करके मान लीजिए, जिसकी लंबाई हमारे पास क्या है, एल है, तथा जिसमें धारा आई बह रही है। इसमें धारा क्या हमारे पास, आई धारा बह रही है, ठीक। एल लंबाई का चालक है, मैंने मान लिया ऐसे। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा है कि, चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा है, हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स हमारे पास आ गई, ऐसे करके मान लिया, सपोज करो जी हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र बी पर रखा है। तार में धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत हमारे पास दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र के हमने मान लिया जी हमारे पास क्या दिया है, लंबवत फोर्स एफ लग रहा है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर। तो फिर लिखा है, जब कोई धारावाही चालक क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। देखिए हमारे पास कोई चीज़ रखी जाएगी तो उस पर एक फोर्स हमारे पास बल लगता है। यदि, नेक्स्ट कंडीशन में लिखा है, यदि एल लंबाई का एक चालक, क्या, यदि एल लंबाई का एक चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र से थीटा कोण, कितना, थीटा कोण पर रखा हो और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला होता है एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। यही आपको फार्मूला याद रखना है, इतनी सी थ्योरी है, आपको डायग्राम बना कर रखना है। अब इसके आगे आपको मात्रक के बारे में बताएंगे, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको क्या करना होता है। एक थिन प्लेट से, जैसे मान लीजिए इसे, इस पर हमारे पास एक इतनी लंबाई की है, जो आपको समझा देते हैं, लंबाई एल दी हुई है, इस पर मैग्नेटिक लाइन चुंबकीय बल रेखा है, उसके ऊपर लंबवत हमारे पास बल लगा होगा, उसका फार्मूला निकालने के लिए एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा लगाते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, हम स्क्रीन से हट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। होंगे, हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी फार्मूले में आपके पास कुछ लाइंस और हैं, वो आपको लाइंस लिख देते हैं। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए आपके पास जो कुछ लाइंस बची हुई हैं वो लिख देते हैं। लिखा है, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास ये लाइंस इसके इस टॉपिक के लिए। क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा, आपके पास चुंबकीय
क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित रेलवे की जिसमें स्थित रेलवे की कौन सी रेलवे रेखी धारावाही चालक पर की धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता है। चालक पर कोई बल नहीं लगता है, क्या करता है? कोई बल नहीं लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कहलाती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कहलाती है। ये चालक इस दिशा के अर्थात यदि चालक इस दिशा के अर्थात बी की दिशा के लंबवत हो, बी की दिशा के अगर लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब वो थीटा बराबर 90 डिग्री कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल sin 90। sin 90 का मान क्या होता है? 1। तो आई बी एल हमारे पास दिया गया। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूटन जी हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसका मात्रक, तो आपको यहाँ बल का मात्रक न्यूटन, बी का मात्रक कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक निकालना जल्दी से नोट करिएगा, क्विक फायर स्पीड में। नोट कर चुकी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ चाहो तो आप हेडिंग डाल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक। हमारे पास एफ बराबर होता है आई बी एल, तो बी बराबर हो जाएगा एफ अपान आई एल। अब देखिए मात्रक निकालने, बल का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन, और धारा का आई का मात्रक होता है एम्पियर, इंटू मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एक ये मात्रक हो गया। एक होता है हमारे पास बी का मात्रक, एक होता है टेस्ला जी और में, दूसरा होता है हमारे पास एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या बी बराबर होता है एक होता है हमारे पास गॉस। क्योंकि एक गॉस बराबर, आप जानते हैं एक गॉस बराबर 10^-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर लिख सकते हो, या टेस्ला भी लिख। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में इनके बारे में पूछा जाता है कि वे चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना होता है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, ऐसे आपके पास ये टॉपिक हो गया। अब आप चाहो तो इसकी बीमा भी निकाल सकते हो, तो बीमा भी आपको बता देते हैं, बहुत आसान है। आप जल्दी से बस नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्विक फास्ट स्पीड में। ठीक है, अब आगे। अब यहीं से अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, आप लोग तो नोट कर चुके होंगे। अगर हम यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ मात्रक की जगह लिख दें बी की विमा,
तो बीमा के लिए हमारे पास होता है, यहाँ लिख लेंगे बी की बीमा बराबर एफ की बीमा बटे आई की बीमा इनटू में एल की बीमा। अब एफ की बीमा होती है हमारे पास एम एल टी माइनस के टू होती है, धारा की बीमा होती है एम्पियर, लंबाई की होती है मीटर। ठीक, मीटर से मीटर हमारे पास कट जाएगा। अब हमारे पास बचा तो जी ऊपर चला जाए तो जा जाएगा एल टी माइनस टू ए माइनस वन, जो रहेगी हमारे पास बी की बीमा। ठीक, ऐसे आप लोग बीमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, बीमा एम की होती है यहाँ पे, यहाँ नीचे आपको दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा उधर लिख देते हैं, सॉरी सॉरी, मैं एम तो होता है हमारे पास दबान की होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू में जो होती है एल, एल से एल कट जाएगा तो जो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी की बीमा जो हो जाएगी, वो गड़बड़ हो गई, बी की बीमा होती है हमारे पास जी हो जाएगा एम, यहाँ से एम से एम कटेगा नहीं, एम टी माइनस टू ए माइनस वन जी हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको करना है। लेंथ की बीमा एल, एल मतलब लंबाई का बीमा एल होती है जी। आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक आप लोग पढ़े एक वीडियो में, तो आपके लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो आप लोग उसको भी वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा अगले टर्न के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो आपको, अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, और प्रॉपरली आप नोट्स की जरूर बनाइएगा। तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।